खैरव मुसहर टोला आंगनबाड़ी केंद्र में रोहित कुमार सहित कई बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी। वहां सहायिका की बहाली नहीं हुई थी। सेविका को सभी काम करना पड़ता था। खाना बनाने से लेकर के मीटिंग तक का काम संभालना पड़ता था। यहाँ पे सहायिका नहीं है, ये सब सब काम अकेले करते हैं। अकेले खाना बनाकर खिलाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, देख रेख करना पड़ता है और पोलियो का भी कार्यक्रम हो सकता है ना। और ब्लॉक भी कहीं जाना है तो जाना पड़ता है। इस सारे काम आप अकेले करती हैं? हाँ, अकेले करती हूँ। और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है कि नहीं? मिलता है, सेविका का पद जो मिलता है वो सिर्फ सेविका अलग मिलता है, लेकिन सहायिका का काम करती है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलता। आपने कभी अपने ऑफिस में बोली? हाँ, ऑफिस में बोले हैं, लिख कर भी दिए। मैं जब खैरवा मुसहर टोला में गई, वहाँ समुदाय से बातचीत की, जिसमें महिला ही बैठक में भाग ली। बैठक के सदस्य के बीच से सहायिका पद के लिए निर्जला देवी का नाम प्रस्तावित की गई। इसमें मैं आवेदन आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से समेकित बाल विकास परियोजना में जमा करवाई और लगातार बहाली की प्रक्रिया में लगे रहे। इसके पहले भी मैडम आप आई थी, वीडियो कैमरा बना था, लेकिन नाम मेरे केंद्र पर सहायता का बहाली हो चुकी है। मेरा कष्ट नहीं है, वो अपना खाना बनाते हैं और बच्चे को खिलाकर मैं दे देती हूँ। हम अपने बच्चे के देख रेख में रहते हैं और मिट्टी अटेंड करते हैं। ये सभी काम आपकी सहयोग से हुआ है और अच्छा हुआ है। तब एक काम दे रहा तो दू आंटी हो गई। लोग खाना पीना बनाता, लड़का पढ़ता है सब बढ़िया। स्कूल में कि आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में। इस वीडियो को बदलाव होने से मुझे काफ़ी खुशी हुई है। मुझे यह विश्वास हुआ कि वीडियो के माध्यम से समाज में जो भी अनसुनी बातों को पदाधिकारी तक पहुँचा कर समस्या का समाधान कर सकती हूँ। मैं ज्ञानती कुमारी सिवन, बिहार से, इंडियाअनहर्ड के लिए।